गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्री फाइट पॉडकास्ट फॉर UFC 290। अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की वर्सेस याइर रोड्रिगेस एंड ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस अलेक्जेंड्रे पेंटोजा 3। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, बट व्हेन आई सी दिस कार्ड इज सो गुड। देर आर टू टाइटल फाइट्स, देर इज रॉबर्ट विटेकर वर्सेस ड्रिगस टू प्लेसी जो टाइटल एलिमिनेटर है, जैलिन टर्नर वर्सेस स्टैन हुकर है लाइट वेट में, एंड बो निकल का फाइटर। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा मेन कार्ड जो है इट्स वेरी पैक्ड इन अ पेपर व्यू। काफ़ी टाइम हुआ है कि आई फेल्ट दिस, एंड डेफिनेटली मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट आर सो गुड। अलेक्जेंडर वोल्कनोस्की लास्ट फाइट के टाइम पे नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड थे, एंड लास्ट फाइट उनका था अगेंस्ट इस्लाम मकाशेव, जो अगर हम सिर्फ रैंकिंग वाइज बोलें तो ही वॉज नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड एंड मकाशेव वॉज नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड। टू बेस्ट फाइटर्स एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वेर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एंड वोल्कनोस्की फेदर वेट से ऊपर जाके लाइट वेट में फाइट कर रहे थे। इट वॉज अ बिग स्टेप अप फॉर हिम एंड ही शोड अप रियली वेल। लास्ट फाइट से पहले सबको लग रहा था कि मकाशेव विद दिस रेस्लिंग दागिस्तानी ओरिजिन, इन जनरल जो उनका खबीब के साथ कनेक्शन है, ऑब्वियसली अगर वो वोल्कनोस्की वेट क्लास के ऊपर जाके फाइट करेंगे तो ही विल बी द स्मॉलर गाय, ही विल बी डोमिनेटेड, एंड वो वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स था जिसकी वजह से सब लोगों ने मकाशेव को विन करने के लिए एक्सपेक्ट किया था। बट फाइट अगर देखे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दोनों में बहुत ज़्यादा पावर डिफरेंस है कुछ। बोथ फॉट वेल, ग्राउंड में भी वोल्कनोस्की वॉज फाइन, ही वॉज एबल टू कंट्रोल द पोजिशन, डू सम थिंग्स, एंड फाइनल राउंड में उन्होंने एक्चुअली मकाशेव को नॉकडाउन भी किया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी कट टू कट कॉम्पिटिशन था, एंड अनफॉर्चुनेटली समवन हैज़ टू विन और लूज, एंड वोल्कनोस्की लॉस्ट। बट सबको लग रहा था कि वोल्कनोस्की डिड इनफ कि देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट फॉर हिम टू विन, अगर जनरली देखे तो। वेरी क्लोज फाइट, वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, एंड बहुत लोग कह रहे थे कि वोल्कनोस्की शुड रिटेन द नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड का रैंकिंग इवन आफ्टर ही लॉस्ट द फाइट, एंड आई डोंट नो, सम पीपल इवन सेड कि दैट विल हैपन। अगर अभी लेटेस्ट रैंकिंग्स देखेंगे तो वोल्कनोस्की इज़ रैंक्ड हायर देन इस्लाम मकाशेव, रैंक नंबर 2 है, एंड मकाशेव इज़ रैंक नंबर 3। जॉन जोन्स आके टाइटल वापस जीते, ही इज़ द हैवीवेट चैम्पियन, सो ही इज नंबर 1 राइट नाउ, बट दैट जस्ट शोज कि सब लोग वोल्कनोस्की को कितना ग्रेट समझते हैं एज इज निकनेम अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कनोस्की। अब तक बस दो ही लॉसेस लिए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, एंड वन वॉज वेरी अर्ली इन हिज करियर। UFC में आने के बाद से आई डोंट थिंक ही हैज लॉस्ट एनी फाइट एक्सेप्ट जो लास्ट वाला फाइट था। एंड सेम कार्ड में देर वॉज अनदर फाइट इन द कोमेन जो था याइर रोड्रिगेस वर्सेस जॉश एमेट फॉर इंटरिम चैम्पियनशिप, एंड याइर रोड्रिगेस जिनको नहीं पता, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज फाइटिंग स्टाइल। कोई भी वीडियो यूट्यूब में जाके याइर रोड्रिगेस का हाइलाइट्स का देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों। ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट किक्स इन MMA एंड हिज स्ट्राइकिंग इज द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स यू कैन सी इन फेदरवेट। उनके जैसा अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग शायद किसी और का है नहीं। वो जो चीज़ें केज के अंदर करते हैं लोग उसको स्पारिंग में भी शायद ना कर पाए। ही इज़ वेरी गुड एट टेकवांडो जो उनका बेस था, एंड ओवरऑल उनके टेकवांडो बेस की वजह से उनका स्ट्राइकिंग भी वैसे डिफरेंट है। एंड अगर उनका ग्राउंड गेम की बात करें, व्हाट टेल्स टू से अदर देन उन्होंने ब्रायन ओर्टेगा को सबमिट किया सॉर्ट ऑफ विद द शोल्डर पॉप, एंड लास्ट फाइट में ही गॉट अ सबमिशन ट्रायंगल विक्ट्री अगेंस्ट जॉश एमेट, जो शोज की ही हैज़ डेफिनेटली वर्कड ऑन इस ग्राउंड गेम। वो अभी सिर्फ एक टेकवांडो गाय या जस्ट अ स्ट्राइकर नहीं है, उनका ग्राउंड गेम काफ़ी रिफाइंड है, एंड वी हैव सीन हिम इम्प्रूव ओवर द ईयर्स, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन UFC। अगर मैं उनका करियर का जस्ट क्विक रिकैप करूँ, उन्होंने डैन हुकर को हराया है, आंद्रे फीली, एलेक्स कैसेरेस, बीजे पेन को हराया था, एंड उनका हाईलाइट फाइट ऑफ हिज करियर इज अगेंस्ट कोरियन जॉम्बी जहाँ पे 5 राउंड्स तक गया फाइट, एंड 5th राउंड के लास्ट मिनट या लास्ट सेकेंड में ही वन द फाइट लिटरली विद द एल्बो नॉकआउट विच वॉज हिज बेस्ट विन। देन ही हैज़ ऑल्सो वन अगेंस्ट जेरेमी स्टीफन्स, ब्रायन ओर्टेगा, अभी जॉश एमेट के साथ उन्होंने जीत के फाइनली एक इंटरिम चैम्पियनशिप भी जीत लिया, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। मुझे ऐसा लगता था कि याइर रोड्रिगेस के स्टाइल के लिए कोई टाइप का रिकग्निशन रहे, एंड अभी हिस्ट्री बुक में ऐसा लिखा रहेगा कि वेदरवेट चैम्पियनशिप रेन में एक इंटरिम चैम्पियनशिप याइर रोड्रिगेस ने भी जीता था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उनको वो मिला। ऑल्सो आई थिंक सेकेंड मेक्सिकन चैम्पियन आफ्टर ब्रैंडन मोरेनो, विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग।
ही हैज़ डेफिनेटली गेन्ड अप्रिशिएशन ऑफ ऑल द फैंस. अगर पहले नहीं मिला था तो अभी डेफिनेटली लोग उनको और ज़्यादा रिकग्नाइज और अप्रिशिएट करते हैं. मीनवाइल अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की एक फ़ाइटर ऐसे हैं जिनके मैंने काफ़ी बार ऐसे उनके अगेंस्ट मैंने रूट किया है. एटलीस्ट इन द हॉलोवे फाइट्स आई ऑलवेज सपोर्टेड हॉलोवे टू विन. फर्स्ट फाइट के टाइम पे मुझे एक्चुअली लग भी नहीं रहा था कि ही हैज़ द चांस. एंड फिर जब वोल्कनोवस्की जीते तो समवेयर आई फेल्ट कि ओह देयर मे बी सम ट्रूथ बिहाइंड व्हाई ही इज कंसिडर्ड द ग्रेट. एंड सेकेंड फाइट के टाइम पे आई थॉट हॉलोवे वन. आई हैड पिक्ड हॉलोवे टू विन बट वोल्कनोवस्की हैड डेफिनेटली ब्रॉट द फाइट वेरी क्लोज. काफ़ी क्लोज मैच था, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वन साइडेड था या कुछ. एंड देन ही वेंट ऑन अ रैम्पेज. ब्रायन ऑर्टेगा को उन्होंने 5 राउंड वॉर में हराया. दो ऐसे सबमिशंस उन्होंने एस्केप किए थे जो ऐसा लग रहा था कि कोई भी करेगा तो वो जीत सकता था. एंड ब्रायन ऑर्टेगा बीइंग अ ट्रायंगल एक्सपर्ट, TCT उनका सरनेम है, ही वाज एबल टू डिफेंड हिज ट्रायंगल चोक्स व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर कोरियन जॉम्बी को उन्होंने जैसे डोमिनेंट फैशन में हराया, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्स होलोवे को जिस तरह से उन्होंने थर्ड फाइट में यूनानिमस डिसीजन से हराया, उस टाइम पे लग रहा था कि यार क्या हुआ होलोवे को. बट एक्चुअली वोल्कनोवस्की वॉज वेरी गुड इन दैट फाइट. वो ऐसे फाइट कर रहे थे कि होलोवे डिड नॉट हैव अ चांस टू विन, विच शोज कि वोल्कनोवस्की हैज़ इम्प्रूवड अ लॉट. एंड उनका मेन USP है कि ही हैज़ बीन इम्प्रूविंग अ लॉट एवरी फाइट. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई वोल्कनोवस्की इज सो स्कैरी. इवन माकाशेव के अगेंस्ट मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा फाइट कर पाएंगे. एंड स्पेशली जब ग्राउंड में था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ही विल फील दैट कॉन्फिडेंट, एक तो कि ही कैन कंट्रोल द पोजिशंस, एंड सेकेंडली ही एक्चुअली वॉज कम्फर्टेबल. उनको ऐसा लग रहा था कि उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, वो ग्रैपलिंग के ही एक्सपर्ट है. सेम अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा का देखें फॉर एग्जाम्पल, जबकि चार्ल्स ओलिवेरा इज़ अ मच बेटर ग्रैपलर, कहीं पर वो थोड़ा पैनिक कर गए विच एंडेड अप बैडली फॉर हिम. ही लॉस्ट वाया सबमिशन अगेंस्ट इस्लाम आकाशेव. तो ये जो काफ़ी कम टाइम में उन्होंने जो कम्फर्ट लेवल बना लिया है अपना इन MMA, दैट इज़ वॉट मेक्स मी फील कि वोल्कनोवस्की को हराना काफ़ी मुश्किल है. एंड अगर किसी ने उनको रोका नहीं तो आगे रोकना और मुश्किल होता जाएगा. याइर रॉड्रिगेस, कैन ही स्टॉप अलेक्जेंडर वोल्कनोवस्की? डेफिनेटली येस. उन्होंने अपना पूरा फाइटिंग स्टाइल ऐसे बनाया है कि फाइट अगर कितना ही खराब जाए, लास्ट मिनट के लास्ट सेकेंड में भी वो फाइट को पलट सकते हैं. वी सॉ दैट अगेंस्ट कोरियन ज़ॉम्बी. और इन जनरल उन्होंने फाइट्स जैसे एंड किए हैं जो नॉकआउट TKOs जीते हैं. एंड जस्ट उनके हाईलाइट्स वो देख के समझ आता है कि वो नॉकआउट के लिए ही आते हैं फाइट में. एंड अगर इफ़ आई हैव टू ब्रेक द फाइट, याइर रॉड्रिगेज़ का विनिंग चांसेस मोस्टली इज़ यूजिंग हिज स्ट्राइकिंग एंड गेटिंग अ नॉकआउट. काफ़ी ऐसे ग्रेट फाइटर्स आए हैं ओवर द टाइम, जैसे एंडरसन सिल्वा हो, रिसेंट अगर एग्जाम्पल ले तो कमारू उस्मान हो. दे हैव हैड अ लॉन्ग रेनिंग चैम्पियनशिप बट फिर समटाइम्स दे गेट कॉट, राइट? एंड वोल्कनोवस्की जितना ही ग्रेट हो, अगर ऐसे एक अनऑर्थोडॉक्स फाइटर के साथ फाइट करें जैसे याइर रॉड्रिगेज़ हैं, ही कैन गेट हर्ट. देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस जहाँ पे याइर रॉड्रिगेज़ कैन हर्ट हिम. इवन जब याइर रॉड्रिगेज़ हॉलोवे के साथ फाइट कर रहे थे, ही लॉस्ट द फाइट, बट काफ़ी ऐसे टाइम्स थे जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रॉड्रिगेज़ इज़ हर्टिंग हॉलोवे रियली बैडली. एंड हॉलोवे का ग्रेनाइट चिन्ह है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्टर इन इटसेल्फ, तो उनके साथ नॉकआउट लेना भी मुश्किल है. बट रॉड्रिगेज़ लास्ट फाइट लास्ट राउंड तक भी ऐसा नहीं लग रहे थे कि वो थके हैं, जो उनका पहले का प्रॉब्लम होता था कि वो थक जाते थे थोड़ा लेट राउंड्स में. ही वॉज इन द फाइट, ही वॉज ट्राइंग ऑल द थिंग्स, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ फिनिश, विच शोज कि याइर रॉड्रिगेज़ हैज़ बिकम हिज बेस्ट सेल्फ. एंड वन मोर डिसएडवांटेज फॉर वोल्कनोवस्की इन दिस फाइट इज उनके फेस में एक कट आया है जस्ट आँखों के नीचे, उनके वेन्स में भी वो दिख रहा था. इट वॉज क्लियर कि इट्स वन ऑफ अ प्रॉब्लम्स. एंड रिपोर्टर्स ने भी ये मैंशन किया था, याइर रॉड्रिगेज़ सेड कि इट्स सैड कि दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड अगर कट की वजह से स्टॉप हुआ तो लोग ऑब्वियसली कहीं पर उसको लाएंगे बीच में, बट पर्सनली वो ऐसा उसको टारगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जस्ट अपना फाइट खेलेंगे एंड जो होगा वो होगा, विच इज़ द बेस्ट माइंड सेट टू हैव. आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छे माइंड सेट में हैं, दोनों ही जीतने के लिए आएंगे. एंड इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, एज मच एज आई लाइक
या रोड्रिगेस स्टाइल, एंड इट विल बी वेरी नाइस अगर वो चैम्पियनशिप जीते, मेक्सिको को एक अच्छा चैम्पियन मिलेगा, डिवीजन में काफ़ी हल्ला मचेगा, सब लोगों को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी दिखेगा, दोज हु लॉस्ट ऑल्सो, दोज आर ऑल नाइस, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मेरा इंस्टिंक्ट्स कहता है कि वोल्कनोस्की इज़ अ बेटर फाइटर, एंड जिस तरह से हॉलोवे को वोल्कनोस्की ने स्ट्राइकिंग में डोमिनेट किया था, यहाँ पे भी वोल्कनोस्की अपना बेसिक स्किल्स यूज़ करके, नॉट जस्ट स्ट्राइकिंग, यूजिंग ग्रैपलिंग, यूजिंग हिज ग्राउंड एंड पाउंड, यूजिंग ऑल द स्किल सेट जो अभी तक उन्होंने एक्यूमुलेट किया है, फाइट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से ये फाइट डिसीजन जाएगा, क्योंकि आई बिलीव यार रोड्रिगेस का हार्ट बहुत स्ट्रांग है, ही वोंट गिव अप, बट कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिनिश ले सकता है, वोल्कनोस्की उनको सबमिट भी कर सकते हैं, तो लुक फॉरवर्ड फॉर दिस फाइट, डेफिनेटली अ फन फाइट टू वॉच, एंड लेट्स होप इट स्टैंड्स अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। अभी एक मैक्सिकन चैम्पियन की बात की, एक और मैक्सिकन चैम्पियन फाइट कर रहे हैं इसके बाद इन द कोमेन, दैट इज़ ब्रैंडन मोरेनो। ब्रैंडन मोरेनो और अलेक्जेंडर पैंटोजा का काफ़ी बड़ा हिस्ट्री है, दोनों ने अब तक एक दूसरे के साथ दो बार फाइट कर चुके हैं, एंड आई बिलीव फर्स्ट फाइट जो हुआ था ब्रैंडन मोरेनो और अलेक्जेंडर पैंटोजा का, वो हुआ था अल्टीमेट फाइटर सीजन 24 में, जिसमें अलेक्जेंडर पैंटोजा ने ब्रैंडन मोरेनो को हरा के अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट जीता था, एंड उसके बाद यूएफसी के अंदर ही यूएफसी फाइट नाइट 129 में ब्रैंडन मोरेनो को अलेक्जेंडर पैंटोजा ने वापस हराया, दिस टाइम वाया डिसीजन। फर्स्ट फाइट में उन्होंने रेयर नेकेड चोक से हराया था मोरेनो को, एंड उसके बाद से अगर उनका करियर हम देखें तो ही हैज हैड अ फ्यू लॉसेस, फिगरेटिव एक बार हारे थे, आस्कराव से हारे थे, बट ऐसा कोई मेन लॉस ऐसा नहीं लगता, ही हैज हैड अ लॉट ऑफ विन्स ऑल्सो, मैनेल कैप को हराया लास्ट, ब्रैंडन रॉयवाल को हराया रेयर नेकेड चोक से वापस, एंड रिसेंट विन था उनका अगेंस्ट एलेक्स पेरेस, विच वॉज अ सबमिशन, जिसके बाद ही कॉल्ड आउट ब्रैंडन मोरेनो अगेन। मीनवाइल जिनको नहीं पता, ब्रैंडन मोरेनो इज़ द फर्स्ट मैक्सिकन चैम्पियन ऑफ यूएफसी, एंड इनका काफ़ी पॉपुलर एक मीम है जिसमें वो बोलते हैं मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ, पेरो ओनली वन थिंग इज ट्रू, आई विल बी चैम्पियन वन डे, आई प्रॉमिस, एंड मे बी नॉट द नेक्स्ट मंथ बट आई विल बी चैम्पियन वन डे, एंड ही एंडेड अप बिकमिंग चैम्पियन। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट जब वो अलेक्जेंडर पैंटोजा से हारे थे, उसके बाद यूएफसी ने उनको निकाल दिया था, एंड उसके वापस आके उन्होंने अभी चैम्पियनशिप जीता है, चैम्पियनशिप को एक बार कैकर फ्रेंस के साथ फाइट करके हराया और इंटरिम भी जीता था, ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट इन द डिवीज़न, एंड अलेक्जेंडर पैंटोजा का कहना यह है कि हाँ वो शायद बाकी लोगों से बेस्ट हो बट मेरे से हमेशा हारते हैं, एंड दैट शोज़ दैट आई एम बेटर देन हिम एंड आई शुड गेट द टाइटल। तो ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे मोरेनो हमेशा पैंटोजा से हार चुके हैं, बट अभी मोरेनो काफ़ी बेटर हो चुके हैं, बट ये नहीं कह सकते कि पैंटोजा ख़राब खेल रहे हैं, ही इज़ डेफिनेटली विनिंग हिमसेल्फ। तो द क्वेश्चन इज़ हैज़ ब्रैंडन मोरेनो बिकम बेटर देन पैंटोजा नाउ, क्या ब्रैंडन मोरेनो फाइनली अपने लॉन्ग टाइम राइवल को हरा पाएंगे एंड ये बता पाएंगे कि ही इज़ द बेस्ट, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस। एंड अगर विन लॉस का बताएं, पैंटोजा का विनिंग स्ट्रैटेजी वुड बी अ सबमिशन, उन्होंने काफ़ी सबमिशंस लिए अपने करियर में, उनका जुजुत्सु काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्राइकिंग इज़ डिसेंट, बट मुझे लगता है वो ग्राउंड गेम पे ही डिपेंड करेंगे ज़्यादा। मीनवाइल ब्रैंडन मोरेनो इज़ मोर ऑफ अ स्ट्राइकर मेरे हिसाब से, उन्होंने भी सबमिशंस जीते हैं, उनका ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा है, जैसे उन्होंने फिगरेडो को कंट्रोल किया था वो भी काफ़ी सही था, उन्होंने फिगरेडो को रेयर नेकेड चोक से हराया था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मुझे लगता है कि ब्रैंडन मोरेनो का स्ट्राइकिंग इज़ वॉट डिफाइंस हिम, एंड अगर उनको ये फाइट जीतना है तो उनको ज़्यादा स्ट्राइकिंग पे ही फोकस रखना पड़ेगा। ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे एक याद आ रहा है एक और फाइट का, रोज नमायूनस वर्सेस कार्ल एस्पार्ज़ा, जिसमें रोज नमायूनस कार्ल एस्पार्ज़ा से हारी थी पहले, एंड देन शी वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैम्पियंस, जो अभी तक यू कैन से स्ट्रॉवेट डिवीजन की वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है, बट फिर कार्ल एस्पार्ज़ा से वो हार गई वापस, एंड देर वॉज नथिंग इन पर्टिकुलर जो कार्ल एस्पार्ज़ा ने इतना अच्छा किया था, जस्ट वो मेंटल ब्लॉक था शायद कि वो अग्रेसिव जा नहीं पाई, तो देर इज़ अ चांस, देर इज़ ऑलवेज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि क्या वो फाइटर पुराने लॉसेस को भूल के एक फ्रेश स्टार्ट लेके अपने ओपोनेंट को हरा पाएगा या नहीं, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट एमएमए,
कि चाहे तुम कितना ही इम्प्रूव हो जाओ, देर इज सम पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ओवरकम. एंड अगर कोई वो कर लेता है तो देन ही बिकम्स ग्रेट से थोड़ा ऊपर, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, वॉट एवर यू कैन से. GSP इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. उन्होंने मैट ह्यूज से हारे थे, मैट सेरा से हारे थे, एंड दोनों को वापस आके हराया था, विच इज़ वॉट शोज वाई ही इज़ सो ग्रेट. एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो अगर कोई चैम्पियन कर सके, आई थिंक ही नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेट्स. ब्रैंडन मोरेनो के पास वो चांस है कि वो अपना नाम रिगेन करें अलेक्जेंड्रा पेंटोजा का हरा के, वाइल अलेक्जेंड्रा पेंटोजा ऑफ कोर्स विल ट्राई टू गेट द टाइटल बिकॉज उनको अब तक चैम्पियनशिप मिला नहीं है. ही विल डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव इट. इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, मुझे लगता है कि ब्रैंडन मोरेनो इज अ मच बेटर फाइटर, एंड मुझे लगता है कि ही विल बी एबल टू गेट अ TKO मोस्ट लाइकली, बट दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट साइकोलॉजिकल माइंड सेट, ये वो सब कुछ मैटर करेगा. पेंटोजा सबमिशन ले सकते हैं, बहुत केपेबल है, बट आई एम अ फैन ऑफ ब्रैंडन मोरेनो स्टाइल. एंड फिगरेटिव के टाइम से मैं ब्रैंडन मोरेनो को सपोर्ट कर रहा हूँ. आई स्टिल थिंक कि ब्रैंडन मोरेनो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं एंड उनका स्किल सेट शाइन करेगा, उनको डोमिनेंट विक्ट्री मिलेगा, इज़ वॉट आई फील, बाय अ TKO मोस्ट लाइकली 3rd-4th राउंड्स या अ डिसीजन. लेट्स सी हाउ इट गोस. रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट. आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट फाइट ऑफ दिस कार्ड. डेफिनेटली इसको मत मिस करना. एंड क्विकली हम चलते हैं बाकी कार्ड पे. आई थिंक रेस्ट ऑफ देम आई हैव वन साइड फेवरेट फॉर श्योर. रॉबर्ट विटेकर वर्सेज डिकस डुप्लेसी, डेफिनेटली जो जीतेंगे वो टाइटल के लिए फाइट करेंगे. रॉबर्ट विटेकर काफ़ी टाइम से टाइटल को चेज कर रहे हैं. वो एक टाइम पे चैंपियन थे बिफोर अडेसाने बिकेम चैम्प, एंड अडेसाने ने उनको अभी दोबारा हराया है, तो इमीडिएट टाइटल शॉट मिलेगा या नहीं श्योर नहीं है. बट उनके जो अपोनेंट है डिकस डुप्लेसी, उन्होंने रिसेंटली डेरेक ब्रंसन को हराया था जो वन ऑफ द चैंपियनशिप कंटेंडर्स थे. उससे पहले डैरेन टिल को हराया था जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फाइटर थे, एंड डेफिनेटली ही इज़ लुकिंग फॉर अ टाइटल. अगर ये फाइट वो जीते तो ही विल डेफिनेटली वॉन्ट टू गो फॉर टाइटल. अडेसाना ने भी बोला है कि ही विल गिव डिकस डुप्लेसी द टाइटल फाइट अगर वो जीते तो. बट रॉबर्ट विटेकर ऐसे गेट कीपर हैं जो अडेसाना के सारे पोटेंशियल फाइट्स को स्पॉइल कर रहे हैं इन सम वे. उन्होंने लास्ट फाइट में मार्विन एटोरी को हराया था जो जस्ट अडेसाना से फाइट करके फिर निकले थे. उससे पहले ऑफकोर्स अडेसाना से हारे, बट केल्विन गैस्टलम को हराया, जैरेड कैननियर को हराया, डैरेन टिल को हराया, एंड इवेंचुअली लाइक अडेसाना हैज़ फॉट 2 out of the 3 नेम्स विच आई सेड. एंड विटेकर लास्ट जब अडेसाना के साथ फाइट भी किए थे, इट डिड नॉट लुक लाइक ही लॉस्ट द फाइट एज सच. लाइक इक्वल था, क्लोज था, स्प्लिट डिसीजन गया, वो हारे. ऑफकोर्स फर्स्ट राउंड में उनको नॉकडाउन मिला, एंड दैट्स बीन अ प्रॉब्लम. उन्होंने काफ़ी बार ऐसा अडेसाना के हाथों से नॉकडाउन खाया है, विच इज़ द डेंजर फैक्टर ऑफकोर्स इफ अडेसाना वर्सेस रॉबर्ट विटेकर 3 हैपन्स. बट फाइटर वाइज विटेकर बहुत कंप्लीट फाइटर है. मैं हमेशा ऐसा एक एनालॉजी डालता हूँ कि हर डिवीज़न में एक ऐसा फाइटर है जो अगर चैम्पियन नहीं होता तो वो चैम्पियन बनते. इफ़ फेदरवेट की बात करें तो दैट्स मैक्स होलोवे, लाइट वेट में भी चार्ल्स ओलिवेरा जो ऑलरेडी चैम्पियन थे, एंड वेल्टर वेट में बेबी कोबलबी कविंगटन जस्ट कंसिडरिंग द क्रेडेंशियल्स, एंड मिडल वेट में दैट वुड बी रॉबर्ट विटेकर. डेफिनेटली चैम्पियन इन सम फॉर्म, एंड डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फन फाइट. अगर गलती से डिकस डुप्लेसी विंस, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, बट एनीथिंग कैन हैपन, इट्स MMA, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. बट मेरे पिक के लिए रॉबर्ट विटेकर वाया TKO, मैं डेफिनेटली वही पिक करूँगा. लेट्स सी, जैलन टर्नर वर्सेस डैन हुकर, दोनों स्ट्राइकर्स हैं, दोनों क्रेजी फाइटर्स हैं, एंड दोनों ही ऐसा मुझे लगता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्राई करेंगे कि एक दूसरे को नॉकआउट करें. डैन हुकर का थोड़ा रिसेंट करियर इतना अच्छा नहीं रहा है, वो बहुत सारे फाइट्स हारे. जैलन टर्नर का भी लास्ट फाइट वॉज अगेंस्ट मैटियस गैमरोट जहाँ पे वो हारे, एंड ही हैज़ अ विन अगेंस्ट ब्रैड रिडल एंड जेमी मलार्की उससे पहले, सो ही हैज़ अ डिसेंट रेज्यूमे. डैन हुकर एक टाइम पे काफ़ी अच्छे थे, अंटिल ही लॉस्ट अगेंस्ट माइकल चैंडलर, ही लॉस्ट अगेंस्ट आर्नल्ड एलन,
बट लास्ट फाइट में उन्होंने एक विन लिया अगेंस्ट क्लॉडियो पुएलिस एंड उसके बाद से ही इज काइंड ऑफ बैक इन टू द मिक्स कि लाइट वेट में आके ही कैन डू थिंग्स. लाइट वेट में फाइट हो रहा है विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि फेदरवेट में काफ़ी छोटे लग रहे थे दयानुकर एंड उनका इतना अच्छा नहीं लग रहा था. ओवरऑल आई थिंक 50-50 है. दयानुकर मे बी आई विल पिक बिकॉज ऑफ हिज ओवरऑल लाइट वेट करियर बट नॉट श्योर. जिस तरह से फाइट कर रहे थे कुछ भी हो सकता है. एंड उसके बाद वी हैव बो निकल वर्सेस वैल वुडबर्न. दोनों अनडिफीटेड फाइटर्स. बो निकल डिवीजन वन कॉलेज रेसलर हैं. काफ़ी हाइप्ड है उनका. वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स ऑफ USA. वैल वुडबर्न इज अनडिफीटेड. आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्स्ट ऑन हिम. वील सी हाउ ग्रेट ऑफ अ फाइटर इज. वेरी इंटरेस्टिंग फाइट फॉर द मेन कार्ड फॉर श्योर. वी ऑल्सो हैव रॉबी लॉलर वर्सेज निको प्राइस जो बान बर्नर होने वाला है. दोनों स्ट्राइकर्स, दोनों हैवी फाइटर्स, फाइट लवर्स. तो डेफिनेटली चेक दैट आउट. आई थिंक अगर आपको ये सारे फाइट्स कैच करने हैं तो 7:30 से थोड़ा पहले उठना पड़ेगा बिकॉज 7:30 मेन कार्ड स्टार्ट्स. रॉबी लॉलर वर्सेज निको प्राइस आई थिंक अराउंड 7:15-7:10 ऐसे स्टार्ट हो सकता है. तो इफ़ यू वेक अप एंड चेक दैम आउट यू विल बी very interested with this card and definitely check all the fights. I believe this is going to be one of the best card of this year. Fingers crossed. Hum hope karte hain ki ye fights jis tarah hum hope kar rahe hain waise hi jaye. Milenge next for UFC 291 Justin Gaethje versus Dustin Poirier. Tab tak ke liye enjoy the fights. Take care. Bye.